so we have come to third paragraph of our unit let's discuss difficult word meanings first so first word is elevate jiska meaning hota hai raise ya utana. second word is wound which means injury ya zakhm third word is dislodge which means to remove or force out from a position yani alag karna khatm karna. Fourth word is resume, which means begin again or continue after a pause. Dubara shuru karna. Fifth word is spurts, which means gush out in a sudden and forceful stream. Tez akhraj, jaise ke if you have something in tube or a तो जोर से उसे प्रेस करते हो तो एकदम से उसके अंदर से जो उसका कंटेंट निकलेगा उसको आप कहोगे इट इज गशिंग आउट Let's move on to the explanation of third paragraph. थर्ड पैराग्राफ में हम किस चीज़ को डील करेंगे कि ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे करते हैं जब आपको कोई छोटे मोटे कट या स्क्रैच आ जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि वो खुद ब खुद उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है उस केस में आपको क्या करने की ज़रूरत है यू नीड टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वूंड फॉर अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स बीस से तीस मिनट तक आप उस वूंद पर प्रेशर डालेंगे अगर तब भी खून नहीं रुकता है तब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है आमतौर पर उस uh, 20 टू 30 मिनट्स प्रेशर देने के बाद खून रुक जाता है और आपको करना क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट पर आपको कट या स्क्रैच लगा है आपको उसको एलिवेट करना होता है फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ स्क्रैच और कट ऑन दिस हैंड तो मैं इसको इस पोजीशन में रखूंगी इसमें नहीं रखूंगी क्योंकि अगर ऐसे ही रखूंगी तो ब्लीडिंग विल कंटिन्यू एंड इट विल नॉट स्टॉप इस तरीके से ब्लीडिंग विल स्टॉप फास्ट मोर ओवर आपको अपने वूंड को चेक नहीं करते रहना है कि ब्लीडिंग रुकी है या नहीं जब आप ये करोगे तो हो सकता है कि जो जख्म ऊपर बना है जो क्लॉट ऊपर बना है आप उसको ख़राब कर सकते हो और अगर वो ख़राब हो गया तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो रिज्यूम हो जाएगी दोबारा से खून बहना शुरू हो जाएगा अगर ब्लड नहीं रुकता है और सेम फ्लो के साथ तेज़ी से बेहतर चला जाता है तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है Let's move on to our fourth paragraph and discuss difficult word meanings extracted from it. First word is rinse, just meaning hai to wash off yani dhona. Second word is irritate, which means cause inflammation or other discomfort in a part of the body. Third word is debris. Is spellings debris. Hai. इसका मीनिंग है स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश और रिमेन्स यानी तबाहशुदा चीज़ की बाक़ियात मूविंग ऑन टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ दिस पैराग्राफ डील्स विद द सेकेंड स्टेप इन डीलिंग माइनर कट्स एंड स्क्रैचेस जो कि है क्लीनिंग द वुंड अब आप अपने ज़ख्म को साफ़ कैसे करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल योर सपोज टू क्लीन द वुंड विद क्लीन वाटर साफ़ पानी के साथ आप उसको साफ़ करोगे एंड जो जख्म की सराउंडिंग्स हैं जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है उसे आप सोप और वॉश क्लोथ से साफ़ करोगे यानी साबुन से और एक साफ कपड़े से एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट द सोप विल नॉट रीच द एक्चुअल वोंड पार्ट क्योंकि अगर वो जख्म को रीच करेगा तो वो जख्म को ख़राब कर सकता है इरिटेट कर सकता है और ये पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकता है सो ट्राई टू यूज़ क्लीन वाटर फॉर द वड और किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जख्म में कोई तबाहशुद चीज़ की बाक़ियात तो नहीं रह गई है डर्ट तो नहीं है वेस्ट तो नहीं है उसको आप ट्वीज़र से जो कि अल्कोहल से साफ़ होने चाहिए उससे आप पिक करोगे ठीक है और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई डर्ट या वेस्ट वोंट के अंदर रह जाता है तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन और इससे टेटनस होने के भी चांसेस होते हैं ना वट इज़ टेटनस टेटनस वो इन्फेक्शन होता है जो कि जैसे कि आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ से चोट लग गई है तो जो खुले में बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो इन्फेक्शन होता है उसको टेटनस कहते हैं सो यू आर सपोज टू कीप योर वोन्स क्लीन केस आपको इन्फेक्शन ना हो जाए मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पैराग्राफ 对。